दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज के मुद्दे और आज की नई बात। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट और क्लिनिक। तो दोस्तों कॉस्ट और क्लिनिक के बारे में बहुत सारे व्यूवर और दोस्तों ने प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ कराना है हेयर ट्रांसप्लांट, क्या रेट है आपको। तो कॉमेंट में मैं देख रहा हूँ यही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं उसी मुद्दे पर बात करने के लिए सोच रहा हूँ और आपको कम कॉस्ट में, ज़्यादा कॉस्ट में, किस क्लिनिक में, आपका बजट क्या है, किस बजट में आप कराना चाहते हैं, उस सारी मुद्दे पे मैं बात करूँगा। तो दोस्तों ऑल इंडिया का आज बात कर रहा हूँ मैं, हर स्टेट में आपका हेयर ट्रांसप्लांट लगभग होने लगा है। तो दोस्तों इंडिया का बेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर जो है आपको कुछ है, जैसे जयपुर में है आपका डॉक्टर सुमित सोनी नाम है उनका, उनका हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में हाई रैंकिंग में है और उनका रेट भी हाई है। और उसके बाद दिल्ली में है, उनका रेट उनसे थोड़ा कम है। उसके बाद बॉम्बे में भी है, उससे कम है। तो दोस्तों आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए तो मैं बोलूँगा आपका, अगर आप के पास में अच्छी बजट है और आप अच्छी क्लिनिक में अगर कराना चाहते हैं तो आपको मैं फर्स्ट प्रिफ्रेंस बोलूँगा आप जयपुर डॉक्टर सुनीत सोनी। उसके बाद अगर आपका और बजट कम है तो आप दिल्ली में आपका चार पांच क्लिनिक है, डीमा हो गया आपका, और भी क्लिनिक है, गर्ग हो गया, और भी क्लिनिक है। तो दोस्तों आप दिल्ली में चार पांच क्लिनिक में पता करें, वहाँ पे आपका 25 रुपये से 30 रुपये ग्राफ है, कहीं कहीं पे 20 रुपये ग्राफ है। बॉम्बे में भी आपका वही रेट है और कलकत्ता में भी दोस्तों 30 रुपया 25 रुपया ग्राफ है। तो आप कलकत्ता में अगर आप कराना चाहते हैं तो कलकत्ता में भी करा सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है और हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आप पुणे और पंजाब, यहाँ पे आपका 10 रुपये है, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ग्राफ है। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप अपना गूगल में सर्च मारें, अगर आप किस एरिया में रहते हैं, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप मुंबई का मारें, अगर कलकत्ता में रहते हैं तो कलकत्ता का मारें, और फिर उसमें आपका सारा डॉक्टर का नंबर मिल जाएगा। आप डॉक्टर से बात करें और रेट की जानकारी लें। मैं आपको ये आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन का आंसर देने से समस्या का समाधान नहीं है। आप डॉक्टर से और क्लिनिक से ही बात करेंगे तो आपका सारा मुद्दा का हल निकलेगा। कारण कि अगर जितने भी यूट्यूबर हैं वो आपको कोई सजेशन देंगे कि पुणे में कराइए, कोई बताएंगे आपको दिल्ली में कराइए, कोई बताएंगे कलकत्ता में कराइए, तो जो जहाँ कराए आपको राय तो उसी जगह रखेंगे। लेकिन मेरा तजुर्बा से आपको जो है सबसे पहले आप गूगल में सर्च मारिए और डॉक्टर से बात कीजिए। आप दिल्ली बात कीजिए, कलकत्ता बात कीजिए, पुणे, मुंबई, बेंगलोर। तो अगर इस तरीके से करने से उसके बाद आप डायरेक्ट बात करने के बाद उनसे कॉम्प्रोमाइज कीजिए। हर जगह हेयर ट्रांसप्लांट का जो रेट बोलता है वो ज़्यादा बोलता, आपको बार्गेनिंग करना है। और किसी भी यूट्यूबर और किसी भी लोगों का नाम मत लीजिए कि हाँ हमें इसने भेजा है। कारण कि आप ये नाम लेंगे तो काम आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए करके आपको क्या करना है, उनसे डायरेक्ट बात करके और उनसे डायरेक्ट कम करवाइए कि सर मेरा बजट इतना है, इतना ग्राफ लगाना है या ये करना है। और आपको सबसे पहले ट्राई कर लेना है कि आपको अंदाज़ा ले लेना है कि आपका ग्राफ कितना लगेगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर आपका ग्राफ 2000 लगेगा या 3000 लगेगा या 4000 लगेगा, वो आप तो हम लोग को जितना वीडियो यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि ग्राफ कितना लगेगा, क्या आपका ब्लाइंड पोजिशन क्या है, आप ग्रेड कितना है, 2 है 4 है 5 है 6 है 7 है। तो ग्राफ लगाने का आइडिया भी तो मैं वीडियो में बनाया हूँ, वो आप देख सकते हैं, और भी कई वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपका 10% जो उड़ा हुआ, ये सामने का पोजीशन उड़ा हुआ है तो आप फर्स्ट ग्राफ, आप फर्स्ट ब्लाइंड में है, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों आपका जो रेट आप हम जिस तरीक़े से बताएं उस तरीके से बात कीजिए। ऑल इंडिया का कहीं भी आप जाइए सारा कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। आप गूगल में एक बार मारिएगा तो आपको क्लिनिक का नाम, एड्रेस, डॉक्टर का नाम लिखिएगा तो वो आ जाएगा। उनसे बात कीजिए, सारा चीज़ समझ लीजिए। समझने के बाद फिर आप ठंडे दिमाग से आप डिसीजन लीजिए। कारण कि हेयर ट्रांसप्लांट कोई हड़बड़ी में मत कीजिए आप। अगर आपके पास टाइम है बढ़िया तरीके से
तब फिर आराम से, कारण कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 20 दिन आपको और टाइम देना पड़ेगा उसकी देखभाल के लिए। तो इसलिए करके मैं यही कहूँगा और ज़्यादा नहीं कहूँगा। दोस्तों रखते हैं, फिर मिलेंगे नई मुद्दे और नई बात। हाँ, अगर आपने मेरे है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का घंटा बजा दीजिए। बेल घंटा का बजाने के बाद आपको मेरा आगे और पीछे सारा वीडियो मिलते रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, रखते हैं।